वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फॉर साउथ में। और मैं आज बात करने वाला हूँ SSMB 29 के बारे में। रिसेंटली टोरंटो में जो फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे राजमौली सर गए हुए थे और उनको अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। और उन्होंने यहाँ पे अपने अपकमिंग फिल्म जो कि महेश बाबू के साथ हो रहा है SSMB 29 को लेकर बहुत सारी बातें वहाँ पे की। एक्शन एडवेंचर होगा उन्होंने पूरा क्लैरिफाई करते हुए बताया, और साथ ही साथ एक ऐसा वर्ड उन्होंने बताया जो कि ट्विटर पे अभी ट्रेंडिंग हो रहा है। अब उस वर्ड को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वर्ल्ड टूर जैसा वो नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ उनका जो लुक एकदम अलग ही लेवल का निकल के आने वाला है। और दूसरा, उन्होंने एक मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे करते हुए बोला है कि हॉलीवुड का कोई प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे जो है उनके साथ कोलैबोरेट करेगा हॉलीवुड तक इस फिल्म को लेके जाने के लिए। और साथ ही साथ अलग अलग जो कोलैबोरेशंस होते हैं और शूटिंग होते हैं, 3 साल उन्होंने मांगा है इस पूरे फिल्म को कंप्लीट करने के लिए, और 2.5 साल के अंदर इसका 90-95% तक शूट जो है ख़त्म हो जाने वाला है। 800 करोड़ सिर्फ प्रोडक्शन हाउस और दूसरे चीज़ों में लगाया जा रहा है, प्रमोशन का जो पैसा खर्च होगा वो अलग ही होने वाला है। पूरा 3 साल के अंदर इस फिल्म का शूटिंग कम्प्लीट होके हमारे पास रेडी होने वाला है। तो उन्होंने अपना पूरा प्रिंट रेडी करके रखा है कि इस पूरे फिल्म को कब तक ये तैयार करेंगे, कब इसका फर्स्ट लुक आने वाला है। तो यही सच में एक मास्टर होता है, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोसेसली सब कुछ करता है वो SS राजमौली सर। अभी तक SSMB 29 का कोई भी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ लोकेशन हंटिंग हो रही है, स्क्रिप्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। 6 से 7 अब तक का राजमौली सर का इंटरव्यू जा चुका है, हॉलीवुड के काफ़ी सारे लोग उनका इंटरव्यू ले चुके हैं, और रिसेंटली टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। तो इंडिया में मतलब ज़्यादा डायरेक्टरों का नॉमिनेशन वहाँ पे जाने का नहीं हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया का कोई डायरेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करने गया हुआ था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इंडियन कल्चरल रूट से जुड़ा हुआ एक स्टोरी हमको देखने को मिलने वाला है SSMB 29 में। तो आप लोग SSMB 29 को लेकर कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि जो लुक, जो फोटो हमको रिसेंटली महेश बाबू का एक स्विमिंग पूल में देखने को मिला था, कमाल का लग रहा था। एक दाढ़ी वाला लुक था जहाँ पे SSMB 28 का त्रिविक्रम सर के साथ, और एक क्लीन लुक दिखाई दे रहा था SSMB 29 के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग कितने एक्साइटेड हो SSMB 29 को लेकर, और आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।